गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, दिस इज अवर हिंदी बुक अविरल हिंदी पाठमाला एवं अभ्यास पुस्तिका। तो बच्चों, कल हमने चैप्टर 5 प्यारा अप्पू कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, परीलोक की सैर। तो कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। कल रौनक का 8वां जन्मदिन था। तो हमारी कहानी परीलोक की सैर का जो मेन करेक्टर है वो कौन है? रौनक। रौनक एक बच्चा है जिसका 8वां जन्मदिन कल था, ठीक है ना। उसने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मित्रों के साथ मनाया। तो उसने अपने जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया, अपने मित्रों के साथ मनाया, ठीक है ना। उसे ढेर सारे उपहार भी मिले। तो जब आपका भी बर्थडे होता है तो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, इसी तरीके से रौनक को भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। सभी उपहार उसे अच्छे लगे। तो उसको जितने भी उपहार मिले थे सभी उसे बहुत अच्छे लगे, लेकिन उसमें सबसे प्यारा उपहार था एक पुस्तक, परी रानी की कहानी। तो जितने भी उपहार मिले उसे सबसे अच्छा कौन सा उपहार लगा? जो कि एक पुस्तक थी, एक किताब थी, जिसका नाम था परी रानी की कहानी, जिसके अंदर परियों की कहानी थी। पुस्तक देखकर रौनक सोचने लगा कि क्या सचमुच परियां होती हैं। तो आपने भी जैसे ही ये बात सुनी होगी, परी रानी की कहानी, आपके मन में भी यही सवाल आया होगा, है ना, कि क्या सच में परियां होती हैं? यदि होती हैं तो मैं उनसे कैसे मिलूं? आपका भी यही मन कर रहा होगा कि अगर सच में परी होती हैं तो मैं उन्हें कैसे मिल सकता हूं? यही सोचते सोचते हाथ में पुस्तक लिए वह सो गया। तो ये बातें वो सोच ही रहा था कि उसे नींद आ गई और वो सो गया। इतने में उसे आवाज़ सुनाई दी। तो उसे सोते सोते एक आवाज़ सुनाई दी, रौनक उठो, तुम मुझे याद कर रहे थे ना, लो मैं आ गई। तो रौनक को एक आवाज़ सुनाई देती है, रौनक उठ जाओ, तुम मुझे याद कर रहे थे, तो लो मैं आ गई। कौन है? रौनक ने घबराकर उठते हुए पूछा। तो वो एकदम से डर गया और उसने डर के मारे एकदम से पूछा, कौन है? मैं परी रानी। रौनक ने देखा तो वहाँ एक सुंदर परी खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने पुस्तक में पढ़ी थी। तो रौनक ने आंखें खोली तो परी घबराहट में उसने एकदम से पूछा कि कौन है। तो परी रानी ने कहा कि मैं परी रानी हूँ। और रौनक देखता ही रह गया कि एक सुंदर सी परी खड़ी थी जो कि बिल्कुल वैसी थी जैसी कि उसने किताब में देखी थी। आगे पढ़ेंगे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, रौनक ने आंखें मलते हुए कहा। तो उसको अपनी बात पे यकीन नहीं हुआ, उसने अपनी आंखें मसली और मसलते हुए कहा कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो, यह सच है कि मैं परीलोक की रानी हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ, परी ने कहा। तो रौनक ने कहा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? इस पर परी ने क्या कहा, नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो, यह सच है कि मैं परीलोक की रानी हूँ, यह बात सच्ची है कि मैं परीलोक की रानी हूँ। तो उसने बताया कि हाँ, मैं तो सच में परीलोक की रानी हूँ। परीलोक क्या होता है, आप जल्दी से बताएंगे? तो जैसे मनुष्य लोक, लोक का मतलब है संसार, ठीक है ना, दुनिया। और जब लोग मनुष्य लोक हो गया तो यानी कि मनुष्य, यानी कि आदमियों का संसार, आदमियों की दुनिया। उसी तरीके से परीलोक का मतलब हुआ परियों का संसार या परियों की दुनिया। तो वो जो रानी थी उसने बताया कि वो परियों की दुनिया की रानी थी, ठीक है ना, और तुमसे मिलने आई हूँ। तो उसने ये भी बताया कि वो उसी से, रौनक से ही मिलने आई है। रौनक ने पूछा, परी रानी, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? तो रौनक का प्रश्न था कि क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमेशा अच्छे बच्चे बनकर रहोगे, कभी कोई बुरा काम नहीं करोगे,
क्योंकि मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ, परी रानी ने कहा। तो परी रानी ने क्या कहा कि हाँ हाँ मैं दोस्ती करूंगी तुमसे, पर उससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे, बुरा काम नहीं करोगे, अच्छे काम करोगे, क्योंकि परी रानी सिर्फ अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती है। रौनक बोला, परी रानी मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा ही बना रहूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा। तो रौनक ने क्या वादा किया परी रानी से कि वो हमेशा अच्छा बच्चा बनकर रहेगा और अच्छे काम करेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा। यह सुनकर परी रानी बहुत खुश हुई। तो परी रानी को ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। अब तो रोज रात को परी रानी आती और रौनक को खूब देर तक कहानियां सुनाती। तो अब क्या होता, क्योंकि वो दोस्त बन गए थे, तो परी रानी रोज उसके सपने में आती और उसको परियों की कहानी सुनाती। एक दिन रौनक ने पूछा, परी रानी परीलोक कैसा है? तो एक दिन रौनक के मन में बात आई कि परीलोक कैसा है, क्या तुम कभी मुझे वहां लेकर जाओगी? तो वो उससे पूछता है कि क्या आप मेरे को वहां लेकर चलोगे कभी? परी रानी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें कल परीलोक की सैर पर ले जाऊंगी। तो परी रानी ने हाँ बोल दिया कि ठीक है कल चलेंगे। यह कहकर परी रानी चली गई। तो अब परी रानी चली गई। परीलोक के बारे में सोच सोच कर रौनक फूला नहीं समा रहा था, तो उसको बहुत खुशी हो रही थी कि कल वो परीलोक में जाएगा। तभी माँ ने पूछा, बेटा रौनक क्या तुमने कविता याद कर ली है? तो तभी माँ ने क्या पूछा कि बेटा क्या तुमने कविता याद की? रौनक ने कहा, हाँ माँ मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। तो रौनक ने हाँ का जवाब दिया कि हाँ मैंने कविता याद भी कर ली और दादाजी को सुना भी दी। अब मुझे बहुत नींद आ रही है, यह सुनकर माँ चली गई। तो फिर वो बोला कि अब मुझे नींद आ रही है। तो जब बच्चे ने ऐसा बोल दिया तो माँ चली गई रौनक की वहां से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रौनक बहुत देर तक परी का इंतजार करता रहा, परंतु परी नहीं आई। तो अब रौनक परी का इंतजार कर रहा था पर परी नहीं आई। ऐसा पहली बार हुआ, रौनक सो गया। अगले दिन वह उदास था। दूसरी रात भी परी रानी नहीं आई। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। तो क्या हुआ, रौनक बड़ी देर तक रात में परी रानी का इंतजार करता रहा पर परी रानी नहीं आई। तो पहली बार हुआ था ऐसा जब परी रानी उससे मिलने नहीं आई। अगले दिन भी उसने इंतजार किया पर रानी नहीं आई। फिर वो बहुत दुखी हुआ, उदास हो गया और कई दिनों तक परी रानी उससे मिलने नहीं आई। एक रात रौनक बहुत उदास था। वह मन ही मन सोचने लगा, परी रानी कहीं मुझसे नाराज तो नहीं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई। तभी उसे ध्यान आया कि उस दिन उसने माँ से झूठ बोला था। यह सोचते ही वह बिस्तर से उठा और माँ के कमरे में गया। तो एक रात को रौनक बहुत उदास हो गया, तो वो सोचने लगा कि परी रानी मुझसे कहीं नाराज़ तो नहीं हो गई, इसी वजह से वो मुझसे मिलने तो नहीं आ रही हो, क्या पता ऐसा हो, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई हो। तभी उसको याद आया कि एक दिन उसने माँ से झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? कि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है ना। तो ये बात जैसे ही उसको याद आई वो भागते हुए माँ के कमरे में चले गया। वहाँ जाकर रौनक बोला, क्या बोला रौनक वहाँ जाकर, माँ मुझसे एक गलती हो गई है। तो उसने माँ को बोला कि मेरे से एक गलती हो गई है। माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा बताओ? तो माँ ने बड़े प्यार से पूछा कि क्या बात हो गई बताओ मेरे को। रौनक फिर बोला, माँ उस दिन मैंने कविता याद नहीं की थी और आपसे झूठ कह दिया कि मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है। तो क्या बोला रौनक ने कि उस दिन रौनक ने माँ से झूठ बोला था। क्या झूठ बोला? कि उसने कविता याद भी कर ली और दादाजी को सुना भी दी। मुझे क्षमा कर दीजिए। तो फिर वो अपनी गलती से अपनी गलती के लिए माँ से माफ़ी मांगता है। आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, और कहता है कि आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। रौनक की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई और बोली, बेटा तुमने अपनी गलती मान ली इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें गलती
देखो करनी तो नहीं चाहिए, पर कभी कभी अगर हो भी जाए तो छुपाना भी नहीं चाहिए। अपने से बड़ों को अपनी गलती के बारे में बताना भी चाहिए और उनसे माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए, ठीक है ना। झूठ बोलना नहीं चाहिए। तो देखो अब रानी भी उससे इसीलिए नाराज़ थी क्योंकि उसने झूठ बोल दिया था कि उसने कविता याद भी कर ली और वो दादाजी को सुना के भी आ गया। तो ये तो उसकी झूठी बात थी जिससे परी रानी नाराज हो गई। इसी तरीके से देखो रौनक की बात सुनकर माँ खुश हुई। क्यों खुश हुई? हालांकि उसने गलती की थी, झूठ बोला था, पर उसने अपनी गलती मान भी ली थी, इसीलिए माँ खुश हुई। आगे पढ़ते हैं। फिर उस रात को रौनक जब सो रहा था तभी परी रानी ने उसे जगाया और कहा, रौनक मैं तुमसे आज बहुत प्रसन्न हूँ। तो उस दिन रौनक को कहती है परी रानी, परी रानी आई जैसे ही वो सोने वाला था और उसे कहती हैं कि आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांग ली है। तो वो बताती हैं कि तुमने अपनी गलती भी मान ली और माँ से क्षमा भी मांग ली है। क्षमा का मतलब होता है माफ़ी, ठीक है ना। हाँ परी रानी, जब तुम मुझसे परीलोक की सैर कराने नहीं लेकर गई तो मुझे लगा अवश्य ही मैंने कोई गलती की है। तो वो क्या बताता है? हाँ परी रानी, वो बोलता है, हाँ परी रानी ये बात सच है, जब तुम मुझे परीलोक की सैर कराने नहीं लेकर गई, तो जब आप मुझे परीलोक की सैर कराने नहीं लेकर गई तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि हाँ ज़रूर, अवश्य का मतलब होता है ज़रूर, कि ज़रूर मैंने कोई गलती कर दी है। आगे चलते हैं। परी ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या कहा परी ने? रौनक हम सब गलतियां करते हैं, तो मैंने आपको बताया अभी कि ज़रूरी नहीं है कि हम गलती करने की कोशिश ना करें, कि भाई हम ये चाहते हैं कि हम गलती नहीं करें और होगी ही नहीं, कभी कभी गलती अनजाने में भी हो जाती है। तो वो परी रानी क्या कहती हैं कि रौनक हम सब गलतियां करते हैं, सब गलतियां करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो गलती नहीं करता। तुमने अपनी गलती मानकर क्षमा भी मांग ली है, पर तुमने अपनी गलती मान भी ली और उसके लिए माफ़ी भी मांग ली है, लेकिन अब इस गलती को फिर कभी नहीं दोहराओगे। तो देखो दोहराना, तो देखो अगर आप गलती करते हैं और उसे मान लेते हैं तो कोई आपको माफ़ भी कर देता है, ठीक है ना। अगर आपको माफ़ कर दिया और फिर से आपने वही गलती करी तो इसका मतलब अब आपने वो गलती जानबूझकर की है। तो गलती तो अनजाने में एक ही बार होगी, अगर आप बार बार करेंगे तो वो गलती थोड़ी ना हुई, वो तो आपने जानबूझकर किया। तो इसीलिए इस गलती को आप दोबारा मत दोहराना, ऐसा परी उसको बोलती हैं। फिर प्यार से परी रानी रौनक को परीलोक की सैर कराने ले गई। और फिर क्या किया परी रानी ने? प्यार से रौनक को परीलोक की सैर कराई, ठीक है। तो न्यू वर्ड्स देखेंगे, उपहार। उपहार का मतलब क्या होता है? तोहफा, भेंट, लोक, संसार, दुनिया। पुस्तक, किताब, लोक, संसार, दुनिया। तो तीन ये हो गए, उपहार, तोहफा, भेंट। उपहार, तोहफा, भेंट, लोक, संसार, दुनिया। लोक, संसार, दुनिया। पुस्तक, किताब। नाराज, गुस्सा। नाराज, गुस्सा। अवश्य, जरूर। अवश्य, जरूर। उदास, दुखी। उदास, दुखी। तो अब आपका काम क्या है बच्चों? ये न्यू वर्ड्स को अपनी नोटबुक में लिखना भी है और साथ में याद भी करना है, ठीक है ना। तो ये आपका काम है। चलो मौखिक प्रश्न भी कर लेते हैं, ये तो हमें बुक में ही फिल करना होगा, है ना। तो देखते हैं, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक, रौनक को सबसे प्यारा उपहार क्या लगा? तो क्या लगा था उसे सबसे प्यारा उपहार? वो थी कहानी की पुस्तक थी और उसमें परियों की कहानी थी। तो उस सबसे अच्छा उसको पुरस्कार वो उपहार कौन सा लगा? परी रानी की कहानी, ठीक है। तो बुक में ही फिल करेंगे, नोटबुक में नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे परी रानी की कहानी, ठीक है ना। अगला प्रश्न, परी कैसे बच्चों से दोस्ती करती थी?
तो परी कैसे बच्चों से दोस्ती करती थी? अच्छे बच्चों से। तो लिखेंगे अच्छे, ठीक है। अगला प्रश्न है, परी रोज रौनक को क्या सुनाती थी? तो क्या सुनाती थी परी रोज रौनक को? कहानियां। तो लिखेंगे कहानियां, परी रौनक को रोज कहानियां सुनाती थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न, रौनक को सबसे प्यारा उपहार क्या लगा? परी रानी की कहानी। परी कैसे बच्चों से दोस्ती करती थी? अच्छे। परी रोज रौनक को क्या सुनाती थी? कहानियां, ठीक है ना। अब हम आगे करते हैं, परी रानी रौनक से नाराज क्यों हो गई? तो क्यों नाराज हुई? परी रानी रौनक से नाराज इसलिए हुई क्योंकि रौनक ने अपनी माँ से झूठ बोला, है ना। तो लिखेंगे रौनक ने अपनी माँ से झूठ बोला इसलिए परी रानी नाराज हो गई, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, परी रानी रौनक के पास लौटकर क्यों आई? तो क्यों लौट कर आई? क्योंकि उसने अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांग ली थी। तो लिखेंगे परी रानी रौनक के पास लौटकर इसलिए आई क्योंकि उसने अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांग ली थी, ठीक है ना। परी रानी रौनक के पास लौटकर इसलिए आई क्योंकि उसने अपनी गलती मानकर माँ से क्षमा मांग ली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, परी रानी रौनक को कहाँ की सैर कराने ले गई? तो परी रानी कहाँ लेके गई थी रौनक को? परीलोक की सैर कराने, ठीक है। तो लिखेंगे परी रानी रौनक को परीलोक, ये फुल बिंदी नहीं आई, परीलोक की सैर कराने ले गई, ठीक है ना। कराने और ले के बीच में भी गैप देंगे, कहीं आप इकट्ठे मत लिख देना इसे। कराने ले गई, ठीक है। आगे देखते हैं, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। कल रौनक का कौन सा जन्मदिन था? तो जल्दी से बताएंगे कौन सा जन्मदिन था? 8वां जन्मदिन था। आगे देखते हैं, कविता याद करने के बारे में रौनक से किसने पूछा? तो किसने पूछा था? माँ ने, दादाजी ने या परी ने? तो किसने पूछा था? माँ ने। फिर रौनक ने
अपनी गलती मानकर क्या मांगी? सजा मांगी, किताब मांगी या क्षमा मांगी? तो क्षमा का मतलब क्या होता है? माफी। तो क्या मांगी? माफी मांगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नीचे दिए वाक्य किसने किससे कहे। तो देखेंगे कौन सा वाक्य किसने किससे कहा। मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ, तो ये कहा परी ने, ठीक है ना। और किससे कहा? रौनक से, ठीक है। अगला देखेंगे, आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो ये बात कही थी रौनक ने। और किससे कही थी? माँ से। तो रौनक ने कही माँ से, ठीक है ना। आगे भाषा की बात भी देखते हैं, तो जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, ये एक शब्द है, और एक शब्द है र घ। तो देखो जब मैंने बोला घर, तो घर, एक घर का मतलब सभी को पता है जिसमें हम रहते हैं, और रघ कोई शब्द नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्थक, यानी कि अर्थ के साथ, ठीक है ना। जिन शब्दों का अर्थ निकलता है उन्हें हम कहते हैं सार्थक शब्द। नीचे दिए गए शब्दों में से सार्थक शब्दों के सामने सही का निशान लगाइए। तो जो इनमें से सही, जिनका कोई अर्थ निकल रहा है उनके आगे हमें सही का निशान लगाना है। पुस्तक यानी कि किताब, ठीक है। जा, ये कोई शब्द नहीं है तो हम कुछ नहीं लगाएंगे। वादा, ये भी सही शब्द है। इया, ये कोई शब्द नहीं है, कुछ नहीं लगाएंगे। गलती, सही शब्द है। तस्दो, कोई शब्द नहीं है। लिहप, ये भी कोई शब्द हमने नहीं सुना हुआ। उसके बाद दोस्त, तो ये भी शब्द बिल्कुल ठीक है। ताविक, कोई शब्द नहीं है। और कहानी, सही शब्द है। तो देखो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, आज, आज एक शब्द बन जाता तो ये ठीक हो जाता। ये दोस्त, दोस्त, तो ये बन जाता, ये क्या बन जाता? पहली, देखो पहली, पहली बन जाता ना। और आई, 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 ठीक है ना, तो ये भी शब्द बन जाता। तो अभी ये उल्टे पुल्टे लिख दिए जिसकी वजह से ये सार्थक शब्द नहीं है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न, फूलाना समाना एक मुहावरा है। तो नवतरंग में भी हमने मुहावरे देखे हैं ना। तो मुहावरे कौन से होते हैं? जो एक सेंटेंस को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करते हों, एक नए रूप में प्रस्तुत करते हों, जिनका जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। तो फूलाना समाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या है? बहुत खुश होना। मुहावरे अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, फूलाना समाना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये आप अपने आप करिए, ठीक है ना, मैं नहीं बताऊंगी। फूलाना समाने का मतलब होता है बहुत खुश होना, तो आपको सेंटेंस में यूज करना है। कैसे करेंगे? जैसे कि वहाँ पे तो मैंने आपको बोला ही हुआ है कि जो सेंटेंस बुक में दिए हैं वही करेंगे, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कर देंगे, ठीक है। समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। तो समान अर्थ जिनके हैं उनके साथ रेखा खींचकर हमें उन्हें मिलाना है। देखेंगे कैसे, दोस्त का मतलब होता है मित्र, माफ का मतलब क्या हो जाएगा? क्षमा मांगना। अवश्य का मतलब हो जाता है जरूर, ठीक है। खुश का मतलब क्या होता है? प्रसन्न। तो इनको हम आपस में करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। तो पढ़ेंगे, व्यक्ति तथा वस्तु का नाम बताने वाले दो शब्द लिखिए। तो व्यक्ति तथा वस्तु बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? संज्ञा, हमने पढ़े थे, है ना। तो अब देखेंगे, व्यक्ति तथा वस्तु बताने वाले दो दो शब्द बताइए। अच्छा, तो व्यक्ति कौन हो सकता है? पाठ में एक तो हो गया रौनक, ठीक है ना।
और एक आप अपना नाम लिख देंगे, जैसे कि मैं अपना नाम लिख रही हूँ, आप अपना नाम लिख देंगे, तो मेरा नाम है निकिता, ठीक है, आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद वस्तु, तो किन्हीं दो वस्तुओं का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने कहानियों की पुस्तक देखी, तो मैं लिख रही हूँ एक पुस्तक, ठीक है। दूसरी वस्तु क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, किताब, किताब तो पुस्तक से मिलती जुलती है, हमने लिख दी, तो एक लिख लेते हैं मेज़, ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं, आइए कविता बनाएं, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे कविता को हम। पहला कदम, परी के बारे में ये वाक्य पढ़िए, तो इन्हें पढ़ते हैं, परी परीलोक में रहती है, तो परी कहाँ रहती है, परीलोक में, परी के हाथ में जादू की छड़ी होती है, तो क्या होती है परी के हाथ में, जादू की छड़ी, परी के पंख बहुत सुंदर होते हैं, तो परी उड़ती भी है ना, तो किसकी हेल्प से उड़ती है, पंख की हेल्प से, तो वो बहुत सुंदर होते हैं, बच्चों को परी अच्छी लगती है, तो बच्चे परी को पसंद करते हैं, ठीक है, तो ये चार सेंटेंस हमने पढ़ लिए। दूसरा कदम, अब क्या कदम है, अब कविता पूरी कीजिए, तो अब सेंटेंस को हमें पूरा करना है, डैश से आई हो, कहाँ से आई हो, परीलोक से आई हो, परी कहाँ से आती है, परीलोक से, तो लिखेंगे परीलोक, तो परी कहाँ रहती है, परीलोक, तो परीलोक से आई हो, जादू की क्या लेके आई हो, छड़ी, तो क्या लिखेंगे, जादू की छड़ी लाई हो, कितने सुंदर डैश तुम्हारे, तो कितने सुंदर क्या है उसके, पंख हैं, तो लिखेंगे कितने सुंदर पंख तुम्हारे, लगते हमको प्यारे प्यारे, तो लिखेंगे प्यारे, तो देखो अब आई हो लाई हो तुम्हारे प्यारे, ये क्या है, राइमिंग वर्ड, सेम तुक वाले सेंटेंस हैं ये, जिनके सेम साउंड आती हो बाद में, है ना, तो समान तुक वाले शब्द हमने पढ़े हैं, तो आई हो लाई हो तुम्हारे प्यारे, एक जैसे तुक वाले शब्द हो गए ये। आगे देखते हैं, सोच समझ की बात, तो देखेंगे ये करना है या नहीं करना, यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप क्या करेंगे, झूठ बोलकर गलती छिपाएंगे या गलती के लिए माफ़ी मांगेंगे, तो आप जो भी करेंगे, अगर आप झूठ बोलकर गलती छुपाएंगे तो यहाँ टिक करेंगे, अगर आप गलती के लिए माफ़ी मांगेंगे तो यहाँ टिक करेंगे, तो देखती हूँ आप क्या करेंगे, अगर जो आपको सही लगेगा उसके लिए टिक करेंगे, जो गलत लगेगा उसके लिए क्रॉस लगाएंगे, टिक लगाएंगे या तो जो गलत लगेगा उसके लिए क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ करने की बात, देखते हैं यहाँ क्या करना है, दिए गए शब्दों की सहायता से चित्र वर्णन कीजिए, तो दिए गए शब्दों की सहायता से चित्र का वर्णन करना है, परी सुंदर, वस्त्र सैर, खुशबू फूल, मज़ा खुश, महल बगीचा, इंद्रधनुष, तो ये कुछ, अच्छा ये एक चित्र दिया गया है यहाँ पे और आपको ये फिल करने हैं, तो ये आप अपने आप करना चाहें तो कर, चलो छोड़ दो, आज के लिए काफ़ी सारा काम हो गया, तो आज तो आप यहीं तक करेंगे, पहले पाठ को पढ़ेंगे, न्यू वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद फिर हम ये मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न करेंगे और पूरा चैप्टर यहाँ तक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ तक आपका होमवर्क रहेगा, तो मंडे तक आपको बीच में जैसे सैटरडे के बाद संडे की छुट्टी भी मिलेगी, तो ये कंप्लीट चैप्टर करेंगे भी, साथ में से लर्न भी करेंगे, ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।